दोस्तों आज की ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अगर आप एक YouTube क्रिएटर है। क्योंकि दोस्तों आज जब सुबह मैंने अपने YouTube ऐप को ओपन करा तो मैंने इस तरह अपने YouTube ऐप में इस तरह यहाँ पर एरर देखने को यहाँ पर मुझे मिला, जिस तरह आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह यहाँ पर एरर मुझे देखने को मिला और यहाँ पर लिखा हुआ टैप टू रिट्राई। तो जैसे ही मैं टैप टू रिट्राई पे भी क्लिक करता हूँ तो भी कुछ नहीं आता, क्योंकि जो मेरे दूसरे जो चैनल है स्विच अकाउंट में तो वो आ नहीं रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के ये जो प्रॉब्लम है ये उनके में भी आ रही है और वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो दूसरा चैनल था वो हैक तो नहीं हो गया या मेरा जो चैनल है कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई उस चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अगर आपके में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों अगर आपके में भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम का बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको अपने मोबाइल का जो सेटिंग होता है वो ओपन कर लेना है, सेटिंग ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पर देख सकते हैं इधर ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट का, ऐप मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे, ऐप लिस्ट में इधर ऑप्शन है तो ऐप लिस्ट में भी क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर यूट्यूब को सर्च कर लेंगे। और यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टोरेज यूजेज लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ऑप्शन होगा क्लियर डाटा और एक ऑप्शन होगा क्लियर कैश। तो इन दोनों ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, एक बार क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है और एक बार क्लियर कैश पे क्लिक कर देना है। और फिर जब इन दोनों ऑप्शन पे आप क्लिक कर दे उसके बाद आपको अपना दोबारा यूट्यूब जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है। यूट्यूब ऐप को ओपन करेंगे दोबारा वही चैनल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है और सारे जो चैनल है आपके वो आ चुके हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं ये YouTube एक तरह का आप कह सकते हैं एक तरह का बग था, जो कि आपने जो सेटिंग में जाकर क्लियर डाटा क्लियर कैच करा था तो उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। ये कभी कभार YouTube में ऐसी छोटी मोटी जो है प्रॉब्लम वो आ जाती है, तो इसलिए आपको इसमें घबराना नहीं है। नहीं तो बहुत लोग ये सोच रहे थे कहीं मेरा चैनल हैक तो नहीं हो गया या मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम बीच बीच में YouTube में कभी कभार आ जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी।